नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसे सवाल को लेकर के जो बहुत ज़्यादा मेरे कमेंट बॉक्स में आजकल पूछा जा रहा है। और वो ये है कि हम अगर किसी प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनर हैं और अपना वाला हिस्सा हम बेचना चाहते हैं, या फिर हमारे एंसेस्टर्स, हमारे माता पिता या किसी भी और के नाम पर प्रॉपर्टी थी जिसकी डेथ हो गई है और अब जो भी सर्वाइविंग लीगल हेयर्स हैं, उनके जो भी वारिस हैं, उनके नाम पे कोई जॉइंटली प्रॉपर्टी आ गई है, उसमें से कोई एक जना अपना हिस्सा बेचना चाहता है, आगे सेल करना चाहता है, या फिर उसको अपना मॉर्गेज करना चाहता है, लोन लेना चाहता है, तो कैसे किया जा सकता है, उसके क्या क्या तरीके हैं। तो आज हम दोस्तों इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट जो आपसे रिलेटेड हो, आपकी सिचुएशन से रिलेटेड हो, वो मिस ना हो। मैं कोशिश करूँगी कि हर तरह की सिचुएशन को इस टॉपिक में डील करूँ, फिर भी कोई पॉइंट मिस हो जाए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि अपने नेक्स्ट वीडियो में उस पॉइंट को कवर कर सकूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप जॉइंट ओनर हैं किसी प्रॉपर्टी में तो दो तरह से हो सकते हैं। तो हम पहले टॉपिक को पहले लेते हैं कि आपने जॉइंटली किसी के साथ प्रॉपर्टी खरीदी है या आपकी जॉइंट नाम पे कोई सेल डीड या कोई और टाइटल डॉक्यूमेंट है, रिलीज डीड, रिलिंक्विशमेंट डीड, गिफ्ट डीड, कुछ भी जिसमें आप जॉइंट ओनर हैं प्रॉपर्टी के और आपके पास ओनरशिप टाइटल डॉक्यूमेंट तो है लेकिन वो दो या तीन लोगों के नाम पे एक साथ है, जिसमें आपका क्लियर एरिया जो है डिफाइंड नहीं है। क्लियर एरिया जो है ये नहीं बताया गया कि आपका वाला हिस्सा कौन सा है। तो दोस्तों, पहली चीज़ की अगर आपकी सेल डीड में ये मेंशन है, सपोज कीजिए तीन जनों के नाम पे सेल डीड है और उसमें अलग से कुछ मेंशन नहीं है कि किसके पास कितना हिस्सा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आपका जो है तीनों जनों के पास वन थर्ड हिस्सा गया है। यानी कि अगर 60 गज की सेल डीड है, तीन जनों के नाम पे है, अलग से हिस्सा क्लैरिफाइड नहीं है, तो मीन्स 20-20 गज हर किसी का होता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर डिमार्केटेड नहीं है कि कौन सा 20 गज किसका है, इसका मतलब यह है कि उस ज़मीन के हर हिस्से में, हर इंच में, हर सेंटीमीटर में उन तीनों का जॉइंट हक है जब तक कि उनके बीच में पार्टीशन नहीं हो जाता। तो बहुत से परचेजर्स के ये सवाल आते हैं कि मैम, तीन जनों के नाम पे था 60 गज और हमने 20 गज एक से ले लिया तो दिक्कत क्या है। दिक्कत यही है कि बाकी के दो लोग हमेशा क्लेम कर सकते हैं कि उस 20 गज जो आपने खरीदा है उसके हर इंच, हर सेंटीमीटर में उनका भी उतना ही हक था, अलग से वो 20 गज बेचने का हक उस एक व्यक्ति को नहीं था। लेकिन अब आप खरीद चुके हैं तो करेंगे क्या? तो दोस्तों, इसका ये जो तरीका है कि अगर आप खरीदने वाले हैं किसी एक व्यक्ति से ही 20 गज और बाकी इन तीनों के बीच में लेकिन पार्टीशन नहीं हुआ है, तो अगर खरीदते वक्त आप खरीदने की सोच रहे हैं और खरीदना चाह रहे हैं और पार्टीशन भी नहीं हुआ है बाय मीट्स एंड बाउंड्स, तो जो बाकी के दोनों ओनर्स हैं जो आपको नहीं बेच रहे हैं, आप उन्हें अपनी सेल डीड में कंफर्मिंग पार्टी बना लीजिए। यानी कि सेलर तो वही एक व्यक्ति होगा जिसके नाम, जो आपको 20 गज अपना हिस्सा बेच रहा है, 20 गज का पैसा भी आप उसी एक व्यक्ति को देंगे जिसका सबसे पहले नाम होगा। फिर जो बाकी दोनों को ओनर्स हैं उनको आप सेकंड पार्टी यानी कि कंफर्मिंग पार्टी बनाएंगे और थर्ड पार्टी यानी कि परचेजर आप खुद होंगे। सॉरी। तो ऐसे में दोस्तों, जो बाकी दो को ओनर्स हैं वो कभी भी आपके हिस्से को लेकर के, आपके डिमार्केशन को लेकर के, आपको कौन सी साइड का 20 गज मिला है उसको लेकर के कभी भी डिस्प्यूट नहीं खड़ा कर पाएंगे और आपका जो 20 गज का हिस्सा है वो क्लियरली आ जाएगा। ये तो हुई एक सिचुएशन। लेकिन अब ऐसे अगर आप ऑलरेडी खरीद चुके हैं तब क्या होगा? अगर ये 20 गज का हिस्सा आप ऑलरेडी खरीद चुके हैं और आपकी सेल डीड में उन दोनों लोगों को, जो बाकी के ओनर्स थे, उनको आपने कंफर्मिंग पार्टी भी नहीं बनाया, तो अब क्या करेंगे? ऐसे में तो आपकी प्रॉपर्टी में लोन भी नहीं हो सकता, आपको सेल करने में भी तकलीफ आएगी क्योंकि आपको तो अनडिवाइडेड शेयर आ गया 1/3। तो ऐसे में दोस्तों, सही तरीका ये है कि आप वो जो दो बाकी के ओनर्स हैं उनसे रजिस्टर्ड डिस्क्लेमर डीड ले सकते हैं, रजिस्टर्ड
नो ऑब्जेक्शन टाइप का कोई डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, जिसमें वो मेंशन कर दें कि जो 20 गज आपको हिस्सा दिया गया है वो उस व्यक्ति के नाम पे था, जो इनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि ये वाली साइड उसी की होगी, और आपको जो दिया गया है उस पे इन लोगों को, बाकी दो ओनर्स को कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका हिस्सा दोस्तों इससे क्लियर हो जाता है। तो ये सेकेंड रास्ता था कि अगर आप ऑलरेडी खरीद चुके हैं तो आप डिस्क्लेमर डीड ले सकते हैं बाकी के ओनर्स से। सही तरीका इन एनी केस यही है कि अगर जॉइंट नाम पे प्रॉपर्टी है तो पहले उसकी पार्टीशन डीड होनी चाहिए, लेकिन पार्टीशन डीड किए बिना कैसे खरीदा जा सकता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंफर्मिंग पार्टी बनाना चाहिए, और अगर पार्टीशन डीड किए बिना आप ऑलरेडी खरीद चुके हैं तो डिस्क्लेमर डीड या NOC ले सकते हैं रजिस्टर्ड आप नेक्स्ट पार्टी से। अब दोस्तों बात करते हैं कि किसी की मृत्यु हो गई जो ओनर था और उनके जो लीगल हेयर्स हैं, वारिस हैं, उनके नाम पे जॉइंटली प्रॉपर्टी आ जाती है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है इस प्रॉपर्टी का। तो दोस्तों अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो सारे लीगल हेयर्स हैं, सारे वारिस हैं, वो मिल करके किसी एक व्यक्ति को रिलिंक्विशमेंट डीड रजिस्टर्ड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे पूरी प्रॉपर्टी उस एक व्यक्ति के पास आ जाएगी, और फिर वो अगर आप आपस में बांटना भी चाहते हैं तो वो सबके हिस्से के अनुसार फ्लोर वाइज या प्रॉपर्टी एरिया वाइज आपको गिफ्टेड या कोई और डॉक्यूमेंट कर सकता है। ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज ये हुई कि अगर आप दिल्ली में नहीं है, हरियाणा में है, तो हरियाणा में रिलिंक्विशमेंट डीड नहीं होती है, लेकिन वहाँ ट्रांसफर डीड होती है, तो सारे वारिस मिलकर के किसी एक वारिस को ट्रांसफर डीड रजिस्टर्ड कर सकते हैं विद इन ब्लड रिलेशन। तो जैसे रिलिंक्विशमेंट डीड में केवल 100 रुपए की ही स्टैंप ड्यूटी लगती है, ठीक उसी तरह हरियाणा में ट्रांसफर डीड विद इन ब्लड रिलेशन में भी 0 स्टैंप ड्यूटी लगती है, आपको कोई स्टैंप ड्यूटी उसमें पे करने की जरूरत नहीं है, आप डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करा सकते हैं। यूपी में अगर जाएंगे तो थोड़ी तकलीफ है दोस्तों, क्योंकि वहां पे ना रिलिंक्विशमेंट डीड होती है ना ट्रांसफर डीड होती है, तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करेंगे अपने पूर्वजों का जिनके आप वारिस हैं, तो उस प्रॉपर्टी को लेकर के डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने में आपको फुल स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन का कोई प्रोविजन फिलहाल नहीं है यूपी में। तो दोस्तों ये था जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि अगर दो लोगों के नाम पे जॉइंट प्रॉपर्टी है और वो अपना हिस्सा दूसरे व्यक्ति को देना चाहते हैं, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी भी बहुत नहीं खर्च करना चाहते, तो ऐसे में जो एक ओनर है वो दूसरे को रिलीज डीड एग्जीक्यूट कर सकता है और अपना हिस्सा दे सकता है, जिसमें आपकी करीब करीब आधी स्टैम्प ड्यूटी हो जाती है और आपको पूरी स्टैम्प ड्यूटी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है प्रॉपर्टी वैल्यू में। तो दोस्तों ये कुछ तरीके थे कि अगर आप जॉइंट ओनरशिप में है प्रॉपर्टी में और आप उसको आगे बेचना चाहते हैं, या आप बिना पार्टीशन के खरीद चुके हैं, या फिर आप दूसरे व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति को पूरी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, तो किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछिएगा मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।